तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर जगह जिसका नाम है राजघाट। और भाई आज का जो ब्लॉग है इससे रिलेटेड होने वाला है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको भाई राजघाट से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ की टिकट टाइमिंग वगैरह और यहाँ की लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, हर एक चीज़ आपको मैं अपने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं राजघाट के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो है भाई दिल्ली गेट। और दिल्ली गेट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आपको भाई गेट नंबर 4 से एग्जिट होना है। मेट्रो के गेट नंबर 4 से एग्जिट होने के बाद इस तरीके से चौराहा आएगा। इस चौराहे से भाई आपको इस तरीके से राइट टर्न लेना है। तो फ्रेंड्स मुड़ने के बाद भाई आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है और पैदल चलने के बाद भाई इस तरीके से एक और चौराहा आएगा। चौराहा क्रॉस करते ही भाई इस तरीके से आपको सामने राजघाट का जो गेट है वो दिखाई देगा। फ्रेंड्स जो लाइन दिख रही ना भाई ये है राजघाट के अंदर जाने के लिए। वैसे नॉर्मली इतनी लंबी लाइन होती नहीं लेकिन आज भाई 15 अगस्त है तो आज काफ़ी लंबी लाइन लग रही है अंदर जाने के लिए। तो भाई चलिए अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग करा लेते हैं अपनी सारी। तो फ्रेंड्स फाइनली भाई सिक्योरिटी चेक कराने के बाद अब मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ राजघाट के। और ये देख लिए भाई एंट्री, ये सामने है एंट्री गेट। और वहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले भाई राजघाट के अंदर आपको इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं राजघाट की टिकट प्राइस की बात करूँ तो भाई यहाँ पे जो एंट्री एकदम फ्री है, यानी राजघाट के अंदर आप एकदम फ्री में घूम सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मैं राजघाट की टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही आप राजघाट के अंदर एंट्री करते हैं तो भाई एंट्री करते ही आपको इस तरीके से बहुत सारे पत्थर दिखाई देंगे जहाँ पे भाई महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए वचन लिखे हुए हैं। ये देखिए, सत्य वचन की शक्ति वहाँ तक जाती है कि मनुष्य को स्वार्थ से परमार्थ में ले जाती है। इस तरीके से देखिए लाइन से बहुत सारे ऐसी पत्थर लगे हुए हैं जिन पे इस तरीके से चीज़ें लिखी गई है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, ये गार्डन बने हुए हैं राजघाट के अंदर जहाँ आप घूम सकते हो। काफ़ी अच्छे से ट्रैक वगैरह बना रखे हैं इसके अंदर। और बिल्कुल अगर आप सामने जाएंगे तो सामने महात्मा गांधी जी की समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी पहले सीधा चलते हैं भाई समाधि की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा भी सामने एंट्री गेट, महात्मा गांधी जी की जो समाधि है उसको देखने के लिए। और यहाँ पे भी सबसे पहले अपने शूज़ वगैरह रिमूव करने पड़ेंगे और शूज़ के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे एक एरिया बना रखा है जहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आप शूज़ पहन के अंदर नहीं जा सकते। तो भाई ये रहा, यहाँ पर पहले शूज़ वगैरह रिमूव कर लेते हैं। तो भाई ये देख लीजिए बिल्कुल नज़दीक से महात्मा गांधी जी की जो समाधि बनी हुई है, ये देखिए आप इतने नज़दीक से समाधि देख सकते हैं। तो भाई वहाँ से समाधि से होते हुए अब हम यहाँ आगे की तरफ आ चुके हैं। और ये देखिए अभी हम ऊपर की साइड भी चलेंगे, वहाँ से भी दिखाएंगे पूरा का पूरा नज़ारा यहाँ का। फ्रेंड्स फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ बिल्कुल टॉप पे। और देखिए अभी मैं वहाँ सामने था जहाँ पे महात्मा गांधी जी की समाधि वगैरह बना रखी है। और यहाँ से पूरा राउंड करके मैं अब ऊपर की साइड आ चुका हूँ। और भाई यहाँ से देख लो पूरे राजघाट का नज़ारा, ये देखिए आप इस तरीके से चारों तरफ घूम सकते हैं ऊपर की साइड से। तो फ्रेंड्स वीकेंड पे राजघाट पे जो लोग आते हैं थोड़े ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज जैसे नॉर्मल डेज में कम ही लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अब मैं आ चुका हूँ भाई उस वाले एरिया में जहाँ पे आप नॉर्मली घूम सकते हैं। ट्रैक बने हुए हैं काफ़ी खूबसूरत से बने हुए हैं, इन पर आप घूम सकते हैं। और इस तरीके से आप इस पूरे एरिया में नॉर्मली घूम सकते हैं। ये देखिए अपने सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं। बहुत सारे आपको लोग दिखाई भी दे रहे होंगे जो गार्डन वगैरह बने हुए हैं, इनके अंदर भी जाके आप ये देखिए सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, ये देखिए। तो भाई इस तरीके से जो राजघाट है, राजघाट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है तो इसको घूमने के लिए भाई मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। हाँ अगर आपको सिर्फ समाधि देखनी है कि भाई हमने आपको सीधा महात्मा गांधी जी की समाधि तक जाना है और वो देखनी है तो उसमें आपको 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन अगर तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने पूरा का पूरा राजघाट घूम लिया है। राजघाट के अंदर क्या क्या चीज़ें वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बता दी है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।